उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की राजनीति पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने राज्य में जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों को आईना दिखा दिया। योगी की नई राजनीति को जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और सपा पर जमकर निशाना साधा है। जाति और धर्म के नाम पर राजनीति करने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। चुनाव के पहले जातिवाद और धर्म का जहर फैलाने वालों के ऊपर योगी आदित्यनाथ ने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, अब यूपी में कैराना और कांधला नहीं बनने दिया जाएगा। कोई भी सचिन और गौरव बलिदान नहीं देगा। हर गुंडा माफिया वहीं जाएगा जहां राम नाम सत्य के अलावा कोई नारा नहीं होता। उत्तर प्रदेश में गुंडे जान की भीख मांग रहे हैं। सुरक्षा और विकास से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सीएम योगी ने आगे कहा, दंगाइयों को कहां भेजना है, सरकार आते ही फैसला ले लिया गया था। दंगाई और माफिया जेल जा रहे हैं। गुंडे माफिया सत्ता के संरक्षण में थे, अब उनकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है। माफियाओं की संपत्तियां जब्त की जा रही हैं। विपक्षी जातिवाद में बांटकर देश को कमजोर कर रहे हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष केरल में पीएफआई से जुड़े लोगों से मिलने जाते हैं। देश के अंदर जो संगठन हर भड़काऊ कार्यक्रम में लगातार अपनी सक्रिय भूमिका का निर्वहन कर रहा हो, कांग्रेस सपा और अन्य दलों की सहानुभूति उन लोगों के प्रति है। दरअसल पिछले कुछ समय से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने गुंडागर्दी के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। हाल के दिनों में कई गुंडों को पुलिस ने ढेर किया है। इसके साथ साथ राजनीति को भी अपराधियों से मुक्त कराने का अभियान चलाया गया है। यूपी की राजनीति के कई बाहुबलियों को उनकी औकात बता दी गई। अंसारी के ऊपर सख्त कार्रवाई की गई। अवैध रूप से कब्जा किए गए उनके मकान के ऊपर बुलडोजर चलाया गया। लेकिन इस बात से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी नाराज हो गए हैं। कुछ समय पहले गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर में हुई मौत को जातिवादी रंग दिया गया। कांग्रेस ने ब्राह्मणों को भड़काने की कोशिश की। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने बार बार इस मुद्दे को उठाया। उसके बाद हाथरस में एक लड़की की हत्या को भी जातिवादी तरीके से उभारने की कोशिश की गई। दलित के नाम पर राजनीति करने वाली पार्टियों ने इसे जातिवादी रंग देने का पूरा प्रयास किया। इस मुद्दे पर योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरने के लिए पीएफआई जैसे खतरनाक संगठनों का इस्तेमाल किया गया। यहाँ तक कि दंगा भड़काने की योजना बनाई गई। दंगे के लिए विदेशों से पैसे मंगवाए गए, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने इनकी पूरी साजिश को नाकाम कर दिया। उत्तर प्रदेश में चल रही साजिश की बात करते हुए यूपी के सीएम ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की राजनीति पर जोरदार हमला बोला है। जिस तरह योगी ने सीएए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा फैलाने वालों पर नकेल कसी है, उससे उनकी आगे की योजना का भी पता चलता है। प्रदर्शनकारियों से सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की वसूली करके योगी ने पहले ही ऐसी परंपरा शुरू कर दी है, जिसने दूसरे राज्यों के लिए एक नया रास्ता खोल दिया है। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।